दोस्तों इस वीडियो में नेवी डबल ए और एसआर की डेट ऑफ बर्थ इस बार क्या रहेगी, एज लिमिट और इसकी नोटिफिकेशन कब आएगी और एग्ज़ाम कब होगा, सारी बात इस सारे आपके डाउट क्लियर किए जाएंगे इस वीडियो में। मेरे जिन भाइयों का इस बार एसआर डबल ए में इस बार नंबर नहीं आया है, प्लीज़ आप निराश मत हों, आपको अनेक मौके मिलेंगे। और दोस्तों आपके पास अभी भी वक्त है, 3 से 3.5 महीने हैं आपके पास अभी भी इसकी अगले एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए मिलेंगे खूब, तो अगले एग्ज़ाम के लिए अच्छी तैयारी करें दोस्तों। जो बीत गया सो बीत गया दोस्तों, आने वाले एग्ज़ाम के बारे में सोचें, आपके पास टाइम है बहुत, अभी से तैयारी करने में लग जाएं एसआर डबल ए में। अगर आपको नेवी में आपका सपना है नेवी में जाना, तो अभी से आप तैयारी करने लग जाएं। दोस्तों अब बात करते हैं इसकी नोटिफिकेशन कब आएगी और डेट ऑफ बर्थ के बारे में, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए। दोस्तों मेरा नाम राम, आप देख रहे हैं जी स्टडी, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं फटाफट। गाइस सबसे पहले बात करते हैं आपकी एज, इस बार इसकी आपकी एज लिमिट क्या रहेगी और डेट ऑफ बर्थ क्या रहेगी, आप फॉर्म भर सकते हैं नहीं, तो सबसे पहले बात करते हैं, चलिए करते हैं आगे बढ़ते हैं। गाइस इस बार जो नेवी एसआर डबल ए की डेट ऑफ बर्थ रहने वाली है वो रहने वाली है दोस्तों 2000 से 2003 के बीच, आप सभी की डेट ऑफ बर्थ रहने वाली है। अगर आपकी उम्र 2000 से 2003 के बीच है तो आप इस बार अप्लाई कर सकते हैं। गाइस आपको डाउट आ रहा होगा कि आपने मंथ और डे तो बताया नहीं, दोस्तों आप सभी को डिटेल में बताऊंगा, घबराइए मत। अब बढ़ते हैं मंथ और डे के बारे में। गाइस अब बात करते हैं मंथ और डे के बारे में आप सभी से, तो इस बार जो डेट ऑफ बर्थ रहने वाली है करेक्ट वो रहने वाली है 1/8/2000 से 1/7/2003 के बीच। अगर आप सभी की डेट ऑफ बर्थ है, उम्र है, आप सभी आप अप्लाई इस बार कर सकते हैं, इजिबल हैं दोस्तों आप एसएसआर और डबल ए के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। जिन भाइयों की डेट ऑफ बर्थ इससे पहले की है 1/8/2000 से पहले की है, कृपया आप निराश मत हों, आप सभी इस बार अप्लाई नहीं कर सकते दोस्तों आप सभी, पर आप निराश मत हों, हिम्मत नहीं हारे दोस्तों। दोस्तों इसमें एसआर डबल ए में भर्ती इसी के लिए नहीं आती है दोस्तों, ऑफिसर रैंक की और आपको इंजीनियर्स और अदरवाइज बहुत वैकेंसी निकलती है नेवी में, तो ग्रेजुएट लेवल से भी निकलती है, मास्टर और मास्टर डिग्री से भी निकलती हैं दोस्तों साहब। तो दोस्तों एसएसआर में नहीं गई तो दोस्तों उनमें उसमें अप्लाई करो दोस्तों, सबका सपना है तो नेवी में जाना, तो दोस्तों उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, आप निराश मत हों। गाइस अब बात करते हैं इसकी नोटिफिकेशन कब आती है और इसका अप्लाई कब से कर सकते हैं और एग्ज़ाम कब होगा। मैं दोस्तों माफ़ी चाहता हूँ इस वीडियो में, इस बार जो इस वीडियो बनाई है आप सभी की एसआर डबल ए के लिए, एमआर के लिए दोस्तों इसकी डेट ऑफ बर्थ थोड़ी अलग थी, तो इसके लिए एमआर के लिए सोलो वीडियो बना दूंगा। अब बात करते हैं इसकी नोटिफिकेशन कब आती है। दोस्तों एसआर डबल ए की नोटिफिकेशन दिसंबर की फर्स्ट वीक, यानी कि दिसंबर की फर्स्ट वीक तक आप सभी की नोटिफिकेशन आ जाएगी, 7-8 यानी कि 6-7 तक आप सभी की नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो और दोस्तों आप सभी डेट ऑफ बर्थ बता दी, इसकी एग्ज़ाम फॉर्म नोटिफिकेशन बता दी, और दोस्तों आप सभी को इसकी फ़ीस करीबन 205 रुपये इसकी फ़ीस जाती है एमआर एसएसआर डबल ए के लिए, 205 रुपये फ़ीस जाती है। दोस्तों अब बात करते हैं एसआर डबल ए के लिए आप अप्लाई कब से कर सकते हैं, आप सभी अप्लाई इस बार दोस्तों दिसंबर की सेकंड वीक या सेकंड हाफ वीक तक अप्लाई करना स्टार्ट हो जाएंगे एसआर डबल ए के लिए, आप पे ज़्यादा वक्त नहीं है दोस्तों, आप तैयारी में लग जाएं मेरी माने तो। दोस्तों आपको कम से कम 3 या 3.5 महीने हैं आपके पास तैयारी में, अच्छी तैयारी कर लें दोस्तों अगर कैरियर अच्छा बनाना है आप सभी को। और बात करते हैं दोस्तों इसका एग्ज़ाम कब होता है। दोस्तों आप सभी को पता नहीं है या पता होगा तो दोस्तों आप सभी का फरवरी में इसका एग्ज़ाम होगा, फरवरी की लास्ट वीक तक। पिछली बार दोस्तों इसका एग्ज़ाम 21 से 25 के बीच हुआ था, 21 से 25 के बीच आप सभी का एग्ज़ाम हुआ था, तो तैयारी में लग जाएं मेरी माने दोस्तों। आपको 3 से 3.5 महीने हैं अभी भी आपके पास, तो अच्छी से अच्छी तैयारी करें दोस्तों, बस अपनी ज़िंदगी के 3.5 महीने दे दें आप सभी के। और दोस्तों फरवरी में ही आप सभी के एडमिट कार्ड आ जाएंगे और एग्ज़ाम दोस्तों फरवरी में होगा। दोस्तों आप सभी को वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो दोस्तों, और अभी तक बेल आइकन नहीं दबाया तो दोस्तों बेल आइकन प्रेस कर दो दोस्तों, अगर वीडियो डालूँ इम्पोर्टेंट आप सभी को सबसे पहले मिले।
अब वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो दोस्तों। वीडियो कैसे लगी, जय हिंद।